अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायो केमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या है। आज हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या है और पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का क्या रुझान है। हम जानते हैं कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती जिस बिना पर इनका साइज मुकर्रर किया जा सके। इस वजह से किसी एटम का साइज नापना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। आमतौर पर एटम का साइज मालूम करने के लिए ये तसव्वुर किया जाता है कि एटम्स दायरे की शक्ल के होते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके बिरोनी हिस्से एक दूसरे को छू रहे होते हैं, तो लिहाजा हम एटम के साइज को यूं डिफाइन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स is referred to as atomic radius of the atom. दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निस्ब को उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो टोटल है जी 154 पिकोमीटर। लेकिन अगर आपने एक एटम का रेडियस निकालना है तो आप इस डिस्टेंस को दो पे डिवाइड कर दें, यानी कि आप उसका निस्ब ले लें, तो वो कितना बनेगा, वो 77 जो है पिकोमीटर बनेगा। तो ये 77 जो है एक एटम का ये एटॉमिक रेडियस होगा। अब हम देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। It is because with the increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. But on the other hand, additions of electron take place in the same valence shells. Means shell do not increase. There is gradual increase of effective nuclear charge which increases due to addition of protons. This force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus. पीरियड में बाएं से दाएं जानब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, लेकिन एटम का साइज बतदरीज कम होता है। इसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर में इजाफा के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में बतदरीज इजाफा होता है, लेकिन दूसरी तरफ शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उसी वैलेंस शेल में दाखिल होते जाते हैं, जिस वजह से पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाता है। बस प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफे की वजह से इजाफी न्यूक्लियर चार्ज की कुवत वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखें ये आपके पास यहाँ पे देखें ये दूसरा पीरियड, देखें आपके पास यहाँ पे लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिथियम से नियोन की तरफ देखें एटॉमिक साइज में कमी आ रही है। इसकी वजह यह है कि लिथियम से जब आप नियोन की तरफ जाते हैं एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस शेल में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह देखें यहाँ पे एटॉमिक साइज चंद एलिमेंट्स के, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के यहाँ पे एटॉमिक साइज दिए गए। लिथियम का देखें 152 है, इसी तरह बेरिलियम का 113 है, इस तरह बोरोन का 88 है, कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 75 है, ऑक्सीजन का 73 है, फ्लोरीन का 71 और नियोन का कितना 69। आप ये देख सकते हैं कि ये एटॉमिक साइज जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है तो ये डिक्रीज हो रहा है। ये एटॉमिक रेडियस जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये पिकोमीटर में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन ए ग्रुप। द साइज ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। इट इज बिकॉज ए न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड व्हिच डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक ही ग्रुप में एटम का साइज की रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है, इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा है, जिसकी वजह से मोस्टर न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती है। आप देखें ग्रुप में देखें एटॉमिक साइज, आप जब ऊपर से नीचे आते हैं फर्ज करें ये आपके पास पहला ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं ऊपर से नीचे ये एटॉमिक साइज में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह ये होती है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर एक नए पीरियड के साथ एक नए शेल का इजाफा होता है।
नए शेल का इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला जो है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला बढ़ेगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिक एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। अब देखें यहां पे एक फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के यहाँ पे देखें एटॉमिक डिस्क दिखाए गए हैं। देखें लिथियम का है 152, इस तरह सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 227 है, रुबिडियम का 248 है, इस तरह सीजियम का जो है 265 जो है पिकोमीटर है।